पत्रकारिता में आप पतन की बात करते हैं, शुरुआत कहाँ से हुई थी? आप इतने 40 सालों से आप देख रहे हैं, कहाँ से वो पतन की राह कहाँ से शुरू हुई? देखिए, पतन की राह से तो 1980 के बाद से ही बहुत ही वो हो गई। उस 1980 में जब इंदिरा गांधी की वापसी आई हुई, उसके बाद से लगातार स्थिति पत्रकारिता की बदतर होती चली गई है और अंकुश उस पर ज़्यादा अंकुश दिखाई देने लगा है, क्योंकि 74 के आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी और उस आंदोलन में जो चेतना जो विकसित हुई थी वो किसी भी सत्ता के लिए बहुत मुश्किल की थी। इवन की जो जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी के लोग थे, उनके लिए भी मुश्किल थी कि इतना चेतना का जो विस्फोट हुआ है उसको तो संभालना मुश्किल हो। तो अंकुश तो चला, लेकिन पैसे की जो बहुत है, जब नई आर्थिक नीतियों का पूरा खाका तैयार हुआ, तो देखिए आर्थिक नीतियों का खाका तैयार मीडिया से ही शुरू होता है, ये बात आप जान लीजिए। मीडिया अगर, जैसे कहता है ना कि वियतनाम की लड़ाई टेलीविजन ने हमको हरा दी, अगर अमेरिका कहता है तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लीजिए। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब ये तय हुआ कि हमको अब पूरा साम्राज्य है पूरी दुनिया का, अब कम्युनिकेशन के जरिए कंट्रोल करना है, फिजिकली खुद के जरिए नहीं हो सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी लंबी योजना का हिस्सा ये होता है। तो 90 के दौरान जब ये नई आर्थिक नीति, और ख़ासतौर से जब इंदिरा गांधी ने IMF से लोन लिया, पहली बार बड़ी रकम जब ली, उसके बाद से तो फिर हम उस ट्रैप में लगातार फंसे, और एक तरह से 90 में तो हमने घोषणा कर दी फंसने की कि हाँ हम तैयार हैं फंसने के लिए, आप जितना फंसाना चाहते हो फंसा लीजिए हमको। और फिर उस समय के बाद से ये हुआ कि पत्रकारों को कितना हिस्सा देना चाहिए, पत्रकारों को कितना हिस्सा देना चाहिए, मालिक को कितना हिस्सा मिलना चाहिए। मालिक यदि जो अरबपति बनेगा तो कम से कम कुछ पत्रकारों को तो करोड़पति बनाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो आप देख लीजिए, तो ऐसा कोई तो एक बिंदु होगा, प्रस्थान बिंदु होगा अनिल जी, जहां से आप माने कि हाँ पत्रकारिता का पतन यहां से तेजी से हुआ। वही तो मैं कह रहा हूं कि गति के हिसाब से जब 1990 में आपने ये कहा कि पूरा खोल दो, माने आपका इशारा संडे ऑब्जर्वर और संडे मिल की तरफ है। संडे मिल, संडे ऑब्जर्वर भी है। देखिए उद्योगपति तो हमेशा चलाते रहे हैं यहाँ के अखबार और टेलीविजन चैनल भी, लेकिन पत्रकारों में तो बड़ा जोश था कि हाँ अंबानी साहब अखबार लेके आ रहे हैं, तो किस तरह का उतना भाई पत्रकार भी तो इसी समाज से पैदा हुआ है। पत्रकार कोई, आप ये सोचते हो कि पत्रकार जो बोल रहा है या पत्रकार जो समझ रहा है वो इस समाज से अलग का है, तो ऐसा तो नहीं है। इसी समाज से वो निकला है, इसी समाज के आकर्षण में वो जीता है, इसी समाज के जो मूल्य है उसी में उसका जीवन चलता है। तो अंबानी लेके आए बहुत ही अच्छा हो गया, चलो कुछ लोगों को तो नौकरियां मिलेंगी। आज तो चली गई दसियों हजार नौकरियां, चली गई दसियों हजार नौकरी चली गई। आप सोचिए, आप खुश हो गए, अरे अरे या भाई, आप नौकरी के लिए अखबार निकल रहे हैं, मीडिया संस्थान खुल रहे हैं, तो क्या मीडिया आपको केवल नौकरी देने के लिए ही निकल रहा है? आप जरा मतलब कितना आप चीजों को छोटा कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। जैसे TRP की मारामारी हो रही है, आप चंद शब्दों में बताइए कि आखिर में अब क्या होने जा रहा है पत्रकारिता का? पत्रकारिता का जो इंस्ट्रूमेंट हमने तैयार किया था वो, उसका इस्तेमाल मीडिया कंपनियां कर रही हैं, वो पत्रकारिता नहीं कर रही हैं, वो उसका इस्तेमाल कर रही हैं जो लोगों ने अपने लिए बनाया था। यानी कि एक चीज आपने बनाई है और उस पर समाज का जो प्रभुत्व रखने वाला वो उस पर कब्जा कर लेता है। दबंग जो है, चूंकि उसके पास वितरण कैसे होता है इसकी क्षमता है, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वितरित कर सकता है, तो एक तरह से जो बाजार में जो दबदबा दबंग है, बाजार का जो दबंग है, वो लोकतंत्र के इंस्ट्रूमेंट पत्रकारिता को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें बिल्कुल सारी चीजें उलट गई हैं, और उलट गई हैं तो उसका नतीजा हमारे सामने, देश की बाकी चीजें, बाकी जितने भी इश्यूज हैं वो पीछे हो चुके हैं। हमारा GDP माइनस में जा रहा है, गांव में समस्याएं हैं, प्रांत स्तर पर समस्याएं हैं, सबके आगे सुशांत सिंह राजपूत हैं और उनकी जो तथाकथित मारने वाली एक पूरी टीम है, किसने मारा ये तो जांच एजेंसियां बताएंगी,
देखिए मीडिया अपना मारा मारी है, वो एक दूसरे पर छीछलेदारी कर रहे हैं, भविष्य क्या होगा? दो लाइन में भी बताइए तो क्या होने जा रहा है? भविष्य यह है कि ये खारिज होंगे, लोग जो आज के जो हीरोज हैं उनकी उनका एक तरह से कोलाज बनाकर लोग जगह जगह पर घूमेंगे और ये कहेंगे कि देश को जो तोड़ने वाले लोग हैं, देश को जो जहर घोलने वाले लोग हैं, यही लोग हैं। इतना प्रोटेस्ट देश में मीडिया के खिलाफ होने जा रहा है, हो रहे हैं, हो रहे हैं, अच्छा, हो रहे हैं। आप कभी सुन समझ सकते हैं कि मीडिया के दफ्तर के सामने प्रदर्शन हो रहे हैं, मीडिया के पुतले जलाए जा रहे हैं, ये कभी सोच सकते थे आप? लेकिन आज आप देखिए, और ये होने जा रहा है कि लोग बहुत ही घोषित तौर पे ये इनका इनके पुतले बना के और पूरे देश भर में लोग घूमेंगे कि ये देश में जहर घोलने वाले लोग हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने की कि समाज में मीडिया का हुक्का पानी बंद होने जा रहा है। आपने बहुत बहुत जरूरी जरूरी चीज़ें बताई, अंदरूनी बातों को आपने सामने रखा है और एक मीडिया एकेडमिशियन के होने के नाते आपने जिन बातों पर प्रकाश डाला है हम इसके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया अनिल जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे, बहुत जल्द ही मिलेंगे नए सवालों के साथ और उम्मीद की जाती है कि आप बहुत कुछ उस समय खुलकर आएंगे। हमारे साथ थे हिंदी के जाने माने पत्रकार अनिल चमड़िया, जिन्होंने बताया कि आखिर में मीडिया का अंदरूनी सच क्या है। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करें, बहुत अच्छा लगा तो इसे दोस्तों के बीच में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगले हफ्ते फिर हम मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ और जानेंगे मीडिया की अंदरूनी सच्चाई को।